नमस्कार, आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 की आज के मॉर्निंग की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। आज की पहली खबर है स्कूल शिक्षा बोर्ड की 116वीं बैठक आयोजित, 125.11 करोड़ का बजट पारित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 116वीं बैठक बोर्ड परिसर में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने की। डॉक्टर सोनी ने बताया कि वर्ष 2019 में स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक फाइनेंस स्थिति 70 से 80 करोड़ रुपए थी, जबकि सदस्यों के सुझाव पर अमल करने से इस वर्ष लगता है कि 125 करोड़ रुपए की अनुमानित आय हो जाएगी। इसको लेकर बजट भी पारित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट 125.11 करोड़ रुपए का पारित किया गया है। आज की अगली खबर है बाइक चोर गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। खबर है कांगड़ा से, पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत बाइक चोरी गिरोह में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने शनिवार देर शाम तक एक अन्य युवक को मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं उक्त युवक से चोरी की एक बाइक को भी बरामद किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले गांडरा से चोरी हुई बाइक के मुकदमे में पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज की अगली खबर है टैक्सी चलाने वाले युवक को फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ा महंगा। फेसबुक में अकाउंट बनाना शिमला में टैक्सी चलाने वाले जोगिंद्र नगर के द्रागल गांव के दरकोटी गांव के युवक को महंगा पड़ा। दरअसल दरकोटी के सुरजन ने बताया कि उसने जनवरी माह में फेसबुक में अकाउंट बनाया था, लेकिन अगस्त माह में उसे साइबर सेल चंडीगढ़ से नोटिस आया जिसमें उसे 28 अगस्त को चंडीगढ़ बुलाया गया था। सुरजन पर आरोप था कि उसने चंडीगढ़ के निवासी से 4.5 लाख रुपए उसके खाते से उड़ाए हैं। जब भी अपने एडवोकेट के साथ चंडीगढ़ गया तो उसे पता चला कि फेसबुक आईडी को हैक करके डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर संचालन महाराष्ट्र के नाम से हुआ है। उस खाते में चंडीगढ़ के एक व्यक्ति के खाते से 4.5 लाख रुपए उड़ाए गए थे, जिसकी शिकायत उस व्यक्ति ने साइबर सेल चंडीगढ़ को की थी। सुरजन ने बताया कि जांच में पता चला कि उसके खाते में जो नंबर दर्ज है वो उसका नहीं, ना ही मोबाइल नंबर, ना ही एड्रेस और ना ही उसकी कोई जानकारी उसमें बची हुई है। सुरजन ने कहा कि वे तो कई वर्षों से शिमला में टैक्सी चलाते हैं। उसने अपने नाम से हुई ठगी की शिकायत पुलिस थाना शिमला में की है, साथ ही शिमला साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की है। आज की अगली खबर है शिक्षा विभाग का 1011 शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा। खबर है शिमला से 1011 शिक्षकों की नियमितीकरण की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीटीए टीजीटी नियमितीकरण के आदेश शिक्षा विभाग ने आज जारी किए है। इस एम्बिश को लेकर आज की अध्यापक संघ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मिला था। आज की कोरोना वायरस अपडेट, नवजात शिशुओं समेत प्रदेश भर में 141 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 141 नए मरीज शनिवार को सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा सिरमौर में 50, सोलन से 25, ऊना में 19, कांगड़ा में 14, हमीरपुर में 14, शिमला में 12, चंबा में 3 और मंडी और बिलासपुर में 2-2 मामले आए। आज की अगली खबर है मनाली के बेंटर ओलंपियन सेवा केसवन को मिला अर्जुन अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके मनाली के बेंटर ओलंपियन सेवा केसवन को शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा है। सेवा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया था, जिस पर मोहर लगने के बाद उन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। सेवा केसवन कुल्लू जिले से पहले खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सेवा अब कुल्लू के सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। आज की अगली खबर है कोरोना पॉजिटिव पूर्व विधायक की पत्नी ने अस्पताल में किया हंगामा। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक बम्ब ठाकुर की पत्नी भावना ठाकुर शनिवार को जिला अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने ओपीडी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जो उन्हें रिपोर्ट दी गई वे गलत है, ये भी चेतावनी दी गई कि इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग को कोर्ट लेकर जाएगी। पूर्व विधायक की पत्नी जब आपात ओपीडी में पहुंची तो उस समय बम्बा करीब 50 से ज्यादा गर्भवती इलाज के लिए पहुंची थी, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। भावना ठाकुर इसी अस्पताल में स्टाफ नर्स है। बीते दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर विभाग ने
भावना को होम आइसोलेट किया था। संक्रमित महिला के इस तरह ओपीडी में गर्भवती महिलाओं के बीच आकर हंगामा करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब कार्यवाही करने की तैयारी में। अस्पताल प्रबंधन ने एसपी को इसकी शिकायत लिखित में कर दी है। आज की राष्ट्रीय खबर, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, सोनिया गांधी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष में जमकर हमला बोला। आज की अगली खबर है, जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा पर मिली सुरंग बोरियो ने खोली पाकिस्तान की घिनौनी साजिश की पोल। १९५६ में बने बिलासपुर बस स्टैंड का होगा आधुनिकरण, सुभाष ठाकुर। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड को जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण को लेकर कदमताल शुरू हो गई, जिसके चलते शनिवार को बिलासपुर अड्डे का निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक टीम, परिवहन निगम की टीम और विधायक सुभाष ठाकुर मौके पर पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बिलासपुर बस स्टैंड का बहुत जल्द आधुनिकरण किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में लगाया बड़ा दांव, 24,713 करोड़ में खरीदा फ्यूचर ग्रुप का कारोबार। चीन से तनाव, भारत ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने से किया इनकार। भारत ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए इनकार कर दिया है। इसे लेकर जल्द ही भारत रूस को भी इसकी सूचना देगा। रूस में होने वाले कबकाज 2020 सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान और चीन समेत 15 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। इस युद्ध अभ्यास में भारत भी अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी भेजने वाला था, लेकिन अब उसने कोविड-19 और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए भाग लेने से मना कर दिया है। खबर हिमाचल से, केंद्र से हिमाचल को मनरेगा के तहत मिली 80.57 करोड़ की मदद। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 80.57 करोड़ रुपए की मदद मिली। इस राशि को मनरेगा के सामग्री घटक तथा प्रशासनिक मद पर व्यय किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग का प्रधानमंत्री कर सकते हैं वर्चुअल उद्घाटन, सीएम जयराम ठाकुर। प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर हरी झंडी मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलंग नाला में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। शनिवार को अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण करने के बाद मनाली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल का उद्घाटन करने आना चाहते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें निमंत्रण भी दिया है। ये भी संभव है कि कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री टनल का उद्घाटन ऑनलाइन ही करें। आज की अगली खबर है, हिमाचल में 2700 नई पंचायतों की अधिसूचना जारी। हिमाचल में 2700 नई पंचायतों की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी है। अभी तक कुल 310 नई पंचायतों की 3 अधिसूचनाएं सरकार जारी कर चुकी है। नई पंचायतें बनाने के लिए सरकार के पास 487 प्रस्ताव आए थे। इन 27 पंचायतों के सदस्य सब 7 दिन के भीतर संबंधित उपायुक्त के पास अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कर सकती है। डीसी को इनको 3 दिन के भीतर निपटाकर मामला सरकार के पास भेजना होगा। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, पीजी कोर्स की 10 परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 10 स्नातकोत्तर कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। शनिवार को जारी शेड्यूल के मुताबिक 15 सितंबर से ये परीक्षाएं शुरू होगी। शेष बचे पीजी साइंस प्रोफेशनल कोर्स और डिप्लोमा कोर्स का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर जेएस नेगी की ओर से जारी शेड्यूल में एमए इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी, लोक प्रशासन, संस्कृति, समाजशास्त्र, एमए, एमएससी मैथ, एमकॉम, इंग्लिश, राजनीति शास्त्र की डेट शीट जारी कर दी। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी। डॉक्टर नेगी ने कहा कि यूजीसी नेट की तिथि निर्धारित किए जाने पर परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों को शेड्यूल की जानकारी भेज दी गई है। परीक्षा नियंत्रण ने सभी यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षा दे रहे छात्रों और परीक्षा केंद्रों में तैनात स्टाफ से परीक्षा संबंधित अपडेट के लिए नियमित तौर पर वेबसाइट देखने की सलाह दी है। तो आप भी वेबसाइट देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, हर जानकारी वेबसाइट पर दी हुई है।
आज की अगली खबर है, गैस ऑन करते ही सिलेंडर ने पकड़ ली आग, धमाके से उड़ गई मकान की छत। दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर इस घटना का देख रहे स्पष्ट, तो देख रहे किस प्रकार से घर की छत जो है वो सिलेंडर फटने से फट गई है। खबर है मंडी से, मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल की लगेड़ पंचायत के बारल गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार ये मकान लोहोरी राम पुत्र मनी राम का है। बताया जा रहा है कि जब उसकी पत्नी ने खाना बनाने के लिए गैस ऑन की तो सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसने घबराकर परिवार के सदस्य को बाहर भागने को कहा। इतने में ही जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया, जिसमें मकान की छत भी उड़ गई। आज की अगली खबर है, कार को बचाते NH7 पर पलटा ट्रक, चालक परिचालक सुरक्षित। खबर है नान से करीब 7 किलोमीटर दूर मारकंडा पुल से करीब 1 किलोमीटर पीछे NH7 पर माल से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक कालाम रुचिरा पेपर मिल से पेपर भरकर पोंडा जा रहा था। ये पेपर कालाम बाली ट्रांसपोर्ट से देहरादून जाना। आज की अगली खबर है, द्रोणाचार्य अवार्ड लेने वाले हिमाचल के पहले प्रशिक्षक बने रमेश पठानिया। विश्व पटल पर विशेष छाप छोड़ने वाले देश के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को शनिवार को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न और द्रोणाचार्य अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। खेल जगत से जुड़े लोगों की उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रीय खेल दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को ये अवार्ड देकर सम्मानित किया है। आज की बड़ी खबर है, हिमाचल में कोरोना से 33वीं मौत, कांगड़ा की महिला ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत गांव बोरा बवारना की 56 वर्षीय महिला ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। उक्त महिला को कुछ दिन पहले परेशानियों के चलते टांडा भर्ती कराया गया था। इस दौरान महिला कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी और आज उसने दम तोड़ दिया, यानी पिछले कल की खबर है। कांगड़ा में कोरोना से 7वीं मौत है, जबकि प्रदेश में अब तक 33 मौतें हो चुकी है। हिमाचल मानसून सत्र में हंगामे के आसार, 610 सवाल 11 नोटिस मिले। कोविड-19 के कहर के बीच 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने ताबड़तोड़ सवाल भेजने शुरू किए हैं। विपक्ष की ओर से बड़ी संख्या में सवाल भेजे गए हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी अपने हलकों से संबंधित या प्रादेशिक महत्व के कई प्रश्न लगाए। इससे मालूम होता है कि 10 दिन के इस सत्र में विपक्ष खूब आक्रामक रुख अपना सकता है। सदन में कोविड-19, सड़क, पानी, बेरोजगारी, रिक्तियों आदि से जुड़े मुद्दे गूंज गए। जमीन घोटाला, मंत्री ने 95 लाख में खरीदी थी 5.5 करोड़ रुपए की जमीन। जमीन खरीद मामले में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ हुई विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि मंत्री ने करीब 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जमीन 95 लाख रुपए में खरीदी है। इसके अलावा जांच अधिकारियों को एक करीबी के नाम से खरीदी जमीन में 7.5 लाख नकद देने की भी जानकारी मिली है। ऐसे में संभव है कि भू सौदे की असली कीमत छुपाने को लाखों के काले धन का नकद लेन देन हुआ है। विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, मंत्री के भविष्य पर फैसला होना है। आज की अगली खबर है, ऊना से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा डाक सेवक बर्खास्त। खबर है ऊना के हरोली से, हरोली के दुलैर डाकघर में तैनात डाक सेवक के प्रमाण पत्र विभागीय जांच में फर्जी पाए जाने पर डाक सेवक को बर्खास्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने 10वीं कक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डाक विभाग में डाक सेवक की नौकरी हासिल की थी। डाक विभाग में मेरिट के आधार पर डाक सेवक की नौकरी पाने के लिए आरोपी 10वीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर विभाग की फाइल में लगा दिया, लेकिन नौकरी मिलने के कुछ समय बाद डाक विभाग की ओर से की गई जांच में आरोपी युवक के 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया। इस बारे में जब विभाग ने संबंधित बोर्ड से स्थापित किया तो विभागीय जांच में पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी नहीं किया गया था। आज की वेदर रिपोर्ट, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 4 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में रविवार और सोमवार को भी हल्की बारिश होने का आसार है। 1 सितंबर से मानसून के द्वारा सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।